ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखो ये तो मुझे मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज ये तो सीएम साहब या उनकी टीम ही बता सकती है, फाइनेंस मिनिस्टर ही जवाब दे सकता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट मेरे हिसाब से कोई ऐसे पैसों की कमी नहीं है, जिस हिसाब से काम चल रहा है और आने वाले समय में समय लगता है, हम जैसे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आगे से काम हो, तो लगे हुए हैं सारे काम मेहनत करने। ऐसे उस कंटेक्स्ट को बदल के कहना और एक डॉक्टर के नजरिए से उस पर बात करना, वो बहुत फर्क होती है। 30% पे सरकार बनती है, तो मेरा अगर वो अकाली दल को मैं 0 नंबर देती हूँ और आम आदमी पार्टी आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें मतलब ये था कि मैक्सिमम अगर हम 100% भी काम करें और 6 या 7 नंबर से ऊपर हम नहीं जा सकते, 30% बंदे लोग जिसके साथ हों वो सरकार बना जाते हैं। तो मैं तो पहले ही 40% पे काय खड़ी हूं। मेरा मतलब यह था कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि कांग्रेस आगे वाले समय में, आने वाले 25-30 साल में कांग्रेस अपनी सरकार बना के चले कि हमें 6-7 नंबर तक पहुंचना चाहिए। वो भी एक डेमोक्रेसी का रूल है। मैं सड़कों पे घूमती हूँ, लोगों के साथ चलती हूँ, कोई इंसान कोई अपना दुख दर्द एकदम जाहिर करता है तो एक दिल की बात निकलती आके कि रोना यह था कि 40,000 से तुम 42,000 कमा रहे हो, सडनली 15,000 पे आ जाओ, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर रही हूँ, 200-250 मरीज मेरे पास आते थे रोज, और आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी बुरी है कि तुम्हें एक दुख दर्द इमीडिएटली तुम्हारा एज ए लीडर झलकता है कि हाँ इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करोगे। तो एक तो वो अच्छी कंटेक्स्ट में था ही नहीं कि कोई पर्सनल बंदे ने मेरे से बात की और अपना दुख रोया, उसके कंटेक्स्ट में मैंने कुछ कह दिया, पर उसमें कोई सीरियस इशू ऐसा नहीं था जिस हिसाब से उसको वायरल किया गया।